चारों कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ओके, तो कम बच्चे आ रहे हैं। आप लोग अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि फाइनल परीक्षा में 75% से कम अटेंडेंस रहेगी गूगल मीट के द्वारा, तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। अभी सभी टीचर्स खाली उन्हीं बच्चों को फाइनल परीक्षा में पास करेंगे जिनकी की अटेंडेंस गूगल मीट पर है, बाकियों को नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखिए। चलिए, तो कल हमने मसावी मतलब महत्तम सामान्य विभाजक के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, है ना? अच्छा, उसके बाद आज हम करेंगे भाग विधि से मसावी ज्ञात करना। भाग विधि से मसावी कैसे ज्ञात करते हैं इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने कल का होमवर्क किया जो मैंने दिया था? मैंने दिया था ना कि पेज नंबर पर दिए हुए कौन कौन से, पेज नंबर 17-18 पर दिए हुए उदाहरण सॉल्व करो। किए कि नहीं किए या नहीं? पेज नंबर 17 और 18 पर बताया था ना। हेलो, आवाज आ रही है? जब हम किए, अच्छा मुझे दिखाओ स्क्रीन पर, मुझे दिखाओ स्क्रीन पर, अपना स्क्रीन पर अपनी बुक रखो और कैमरा उसकी तरफ करो, बैक कैमरा कर दो, ठीक है? बैक कैमरा कर दो। हाँ, अच्छा मैं आपका स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। धुंधला आ रहा है आपका, बहुत ज्यादा धुंधला है ना? चलिए, पर किया है यही बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, तो हम आज आगे सीखते हैं भाग विधि से मसावी। गुड मॉर्निंग, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मेरी कॉपी? दिख रही है? अच्छा, आज हम करेंगे भाग विधि से मसावी ज्ञात करना। सवाल है 144, आवाज बंद करिए, 144 और 252 का मसावी ज्ञात कर। अच्छा, कल मैंने का मसावी ज्ञात करो, कल मैंने कुछ आपको यूट्यूब का लिंक भेजा था, वो पढ़ा देखा आपने? अच्छा, अब इसी तरह रोज हम आपको आज की जो क्लास हुई है ना उसका लिंक आपको यूट्यूब पर से भेज देंगे, तो आप अपना ये दोबारा से, यदि आपका कुछ छूट गया है तो दोबारा से देख सकते हो, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो अब 144 और 252 का मसावी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले ये जो 144 छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं, है ना? तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि दो बार करा तो कितना हो जाएगा, 144 गुणा दो किया तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2 + 1 = 2, तो ये बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ हम 144 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस करा 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8, 4 में से 4 गए 0, है ना, और 2 में से 1 गया 1, तो 108 बचा। अब इस 108 का भाग इस वाली संख्या, आवाज बंद करिए, किसकी यहाँ से आवाज आ रही है, आवाज बंद करने कहिए। अब 144 में 108 का भाग देंगे, 108 एकम 108, ये भी एक ही बार जाएगा, माइनस किया 14 में से 8 गए 6 बचा, 3 में से 0 गया 3 बचा। अब इस 36 का भाग हम देंगे 108 में, 108 में 36 का भाग दे देंगे, मतलब यहाँ जो संख्या बचती है उस संख्या का इस संख्या में भाग देना, ठीक है? अब 108 36 का पहाड़ा गिन लेंगे कितनी बार, अब पहाड़ा तो आता नहीं है तो गुणा करके देख लेंगे, 36 दूनी तो 72 होगा,
36 तिया कर लेते हैं, तो 6 तिया 18 की 8 हाथ से लगा, 1 3 तिया 9 और 1 10, 118, 36 गुना 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 72 आएगा। तो ये छोटी संख्या और ये सही संख्या, तो यहाँ पर अपना आंसर आया 3, यहाँ पर 108 और ये माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। तो हमको मालूम चल गया कि 144 जब भाग पूरा खत्म हो गया तो हम कहेंगे कि 144 और 252 दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पर? अच्छा हाँ ओके, 144 और 252 का मसावी कितना है? 36 है। मसावी कितना है? 36 है। ठीक है, ये भाग विधि है, ये भाग विधि है, ये क्या कहलाती है? भाग विधि। कैसे किया, समझ आया अपन को? 144 का भाग दिया 252 में, एक बार ही जाएगा, माइनस करा 108 मिला, इस 108 का भाग वापस इसे 144 में दिया, एक बार ही जाएगा, 108 किया माइनस करके 108 किया, माइनस किया तो 36 आया। एक मिनट, हाँ छत्तीस आया और फिर 36 का भाग इस 108 में दिया तो 3 बार भाग गया और यहाँ भाग खत्म हो गया। तो ये जो संख्या है जिससे भाग खत्म हो जाता है 36, ये क्या कहलाता है? इन दोनों संख्याओं का मसावी। इस तरह हम किन्हीं भी संख्याओं का अपन जो है ना वो भाग विधि से मसावी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है एक उदाहरण है, देखिए किताब में संख्या 209 बटे 247 को संक्षिप्त रूप दो, यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 19 पर, देखिए संख्या 209 और 247 को संक्षिप्त रूप दो। तो कैसे दें? तो इसकी हम भाग विधि से इसका भी आंसर देखेंगे। भाग विधि से कैसे देखेंगे? तो 209 और 247 में छोटी संख्या कौन सी है? 209। तो 209 का भाग हम किस में देंगे? 247 में। कितनी बार जाएगा, दिख रहा है स्क्रीन पर? दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ, 209 और 247, तो 209 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 209 एकम 209, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 7 छोटी संख्या है तो बाजू वाली संख्या से हाथ से लिया, 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8। यहाँ रह गया 3, 3 में से 0 घटाया तो कितना बचा? 38, टोटल 38। अब वापस इस 38 का भाग 209 में देते हैं तो 209 में दिया। अब 38 के कितनी बार गुणा करें कि 209 आ जाए, है ना? तो अपन 5 बार करके देखते हैं, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19, 190 आया, है ना? एक तो काफी छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या के लिए करते हैं, देखें 38 गुणा 6 करके देखते हैं, 8 6 48 की 8 हासिल लगा 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22। तो ये संख्या तो बड़ी हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई, तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। ठीक है, यहाँ पर आएगा 190, माइनस किया 9 में से 0 गया 9, 10 में से यहाँ पे से हाथ से ले लिया 10, 10 में से 9 गया 1। अब 19 में हम किसका भाग दे देंगे? 19 का भाग किस में दे देंगे? 38 में। हाँ, 19 दूनी 38, यहाँ भाग अपना खत्म हो गया, है ना? तो यहाँ पर छोटी संख्या आ गई अपनी ये 19, क्योंकि मसावी है ना ये, क्योंकि ये मसावी है। अब मसावी है तो मसावी का मतलब क्या है कि दोनों संख्या में ये संख्या कॉमन है, तो 209 बटे 247 इन दोनों संख्या में यदि 19 का भाग दिया जाए तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो जो है ना सूक्ष्म संख्या होगी, संक्षिप्त संख्या होगी, 247 भाग 19।
करके देख लेते हैं। यहाँ पर 19 का भाग दे दो 209 में 19 एकम 19 कितना बचा, माइनस किया एक बचा, ये 9 उतारा, ठीक है, फिर 19 एकम 19 तो यहाँ पर आया 11। अब 19 का भाग 47 में भी देकर देख लेते हैं, 19 भाग 247 दो, तो पहले भाग दो में तो जाएगा नहीं, तो 24 ले लेते हैं, तो 19 एकम 19 क्योंकि 19 दूनी 38 होता है तो बड़ी संख्या हो जाएगी। 14 में से 9 गए हासिल ले लिया, 14 में से 9 गए कितने बचे 5, 7 उतारा, 19 थी 57 तो यहाँ भाग खत्म हो गया, तो यहाँ पर आया आंसर 13। तो 11/13 जो है वो संक्षिप्त रूप है। तो इस तरह भाग विधि से आप संक्षिप्त रूप भी ज्ञात कर सकते हो, भाग विधि से आप क्या कर सकते हो, संक्षिप्त रूप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब प्रश्न संग्रह 12 के कुछ सवाल करेंगे, प्रश्न संग्रह 12 के कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला है मसावी ज्ञात करो, कौन सा प्रश्न संग्रह है, प्रश्न संग्रह कौन सा प्रश्न संग्रह है, प्रश्न संग्रह 12 है ना, और पहला सवाल है मसावी ज्ञात करो, मसावी का पूरा नाम क्या है, महत्तम सामान्य विभाजक, क्या है, महत्तम सामान्य विभाजक। तो पहली संख्या है 25 और 40, पहला सवाल है 25 और 40, तो 25 और 40 का हम क्या करें, पहले गुणनखंड कर ले, है ना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 25 के लिए हमने ऐसी बना लिया और ऐसे ही 40 के लिए बना लिया, ठीक है। अब 25 में ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या है ना, तो 2 का भाग, हाँ 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 से ट्राई करते हैं, 25 5 एकम 5, ये अभाज्य 1 आ गया, तो ये क्या होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। अब 40 सम संख्या है तो 2 दूनी 4, 2 से भाग जाएगा, फिर 2 एकम 2, ठीक है, और फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 25 बराबर 5 गुणा 5 और 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 25 में और 40 में कौन सी संख्या कॉमन है, कॉमन मतलब जिनमें दोनों में है, दोनों में है कौन सी संख्या, दोनों में है 5, तो 5 क्या हो गया इसका, 5 क्या हो गया इसका, 5 क्या हो गया इसका, इन दोनों संख्याओं का 5 क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का 5 क्या हो गया, अरे वही तो पढ़ रहे हैं अपन, कौन बताएगा, कौन बताएगा, अरे क्या है अपने टॉपिक का नाम क्या है, तो फिर तो ये 5 क्या हो गया, 25 और 40 का मसावी, महत्तम सामान्य विभाजक, तो ये आ गया अपना आंसर 5, समझ आया, ये है पहला सवाल। इसी तरह दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा है 56 और 32, 56 और 32, तो 56 का क्या करेंगे, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड, 32 के भी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 दूनी 4 सम संख्या है ना, तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 एक बचा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये इतना लेट लेट एडमिट हो रहे हैं, आवाज भी करिए भाई, फिर 2 7 14 7 1 7, ये तो हो गई 56 के, ठीक है, ठीक है,
अरे हाँ कि ना तो बोलते जाओ। हाँ अब 2 × 2 हाँ 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, यहाँ पर लिख लेते हैं 56 का है 2 × 2 × 2 × 7 और 32 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × कितनी बार 2 है, कितनी बार 2 है, 32 में कितनी बार 2 है, 5 बार। ठीक है, तो 5 बार लिख लिया। अब ये देखिए, ये वाली जोड़ी कॉमन है, 2 2 दोनों में है, ये वाला 2 भी दोनों में है, ये वाला 2 भी दोनों में, 7 इसमें है क्या, नहीं। तो हाँ, और 2 2 इसमें है क्या, नहीं। तो इनको छोड़ देंगे और जोड़ियां ले लेंगे। तो 2 × 2 × 2, ये 2 की जोड़ी है ना, 2 2 की जोड़ी है, तो 2 2 ले लिया और इनको गुणा करके लिख देंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब देखो कई बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है ना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो अपना आंसर यहाँ पर आएगा 8, है ना। तो हाँ, तो इस दूसरे वाले का आंसर कितना आया, अपना दूसरे वाले का आंसर कितना आया, 8। तो हम हाँ, तो अपन कैसे लिखेंगे कि 56 व 32 का मसावी कितना है, 8, मसावी 8 है, ऐसा लिखेंगे, तब जाकर हमारा सवाल पूरा होगा। तो अब मुझे जरा तीसरा सवाल, अच्छा तीसरा और देख लो, क्योंकि उसमें 3 संख्या है ना, तो आपको थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो तो तीसरा सवाल और मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप करोगे सारे सवाल, ठीक है, अभी करने हैं। अभी अपने पास कितना टाइम बचा हुआ है, अभी 8 मिनट है, तो 8 मिनट में आप मुझे ये करके बताओगे। चलिए, तो 40, 60 और 75, 40, 60 और 75, ठीक है। स्टैंड गड़बड़ है, बार बार गिर जाता है ना मेरा मोबाइल वाला। चलो, तो अब इनके 40 के हम अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह 60 के अभाज्य गुणनखंड आप ही को बताने हैं, मैं तो खाली लिखूंगी, 75 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 40 का जल्दी बोलो क्या करें, 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 20, ठीक है। अच्छा, अब इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का, कितना आएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 20 होता है ना। अब कितना आएगा, किसका भाग दूं आप वापस, 2 के पहाड़े में 10, हाँ 2 × 5 = 10। अब किसका भाग दूं, 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का ही, तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब इसका 60 का शुरू करते हैं, ठीक है, 2 × 3 = 6 और ये 0 है ना, 30 × 2 = 60 होता है ना, हाँ 2 × 1 अब 30 में भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 बचा यहाँ 10 हो गया। देखो 30 में 2 का भाग देकर देखते हैं, यहाँ पर देखो 2 × 2 = 2, कितना बचा, 1 बचा, 0 उतारा, 2 × 5 = 10, ठीक है ना, 15 × 15 = 30 होता ही है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15। अब 15 में किसका भाग जाएगा, अब 15 में किसका भाग जाएगा, 5 का, ओके 5 का भी जा सकता है और 3 का भी जा सकता है, 3 के पहाड़े में भी तो 15 आता है ना, तो 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, ठीक है। अब 75 की नंबर आई, अब 75 का नंबर आया, 75 में भी 3 का भाग देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, तो इस तरह इसके गुणनखंड मिल गए। अब तीनों संख्या लिख लेंगे, 40, 60, 75,
चालीस के, हाँ चालीस के गुणनखंड लिखिए, दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच। अच्छा साठ के बोलो, साठ के बोलो, दो हाँ बराबर। पचहत्तर के बोलो, हाँ अच्छा। अब इसमें कॉमन क्या है एक बात बताओ, इन तीनों में देखो यहां पर से देखें, दो ये इसमें है पर इसमें दो है क्या? पिछहत्तर में दो नहीं है, ओके तो ये भी कॉमन नहीं, ये दो है परंतु यहाँ पर दो है क्या? ये भी कॉमन नहीं, फिर दो तो यहाँ पर किसी में भी नहीं। तीन है क्या? तीन इन दोनों में है पर ऊपर नहीं है, तीन इन दोनों संख्याओं में है पर ऊपर वाली में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं। अच्छा अब ये वाला पांच देखो, पांच पांच और पांच तीनों में है, पांच पांच और पांच तीनों में है, तो इन तीनों संख्याओं का मसावी कितना है? इन तीनों संख्याओं का मसावी है, मसावी है पांच। अरे कॉमन एक ही पांच ही तो है, इनको जोड़ना कूड़ा करना नहीं है, सीधा कॉमन संख्या है तो पांच, ठीक है, तो इन तीनों का मसावी हो गया पांच। समझ आएगा? तो ओके, तो अब आगे के सवाल आप मुझे करके बताओगे। पूरे के पूरे दस सवाल हैं जिसमें से तीन हमने कर लिए, तो सात सवाल आप मुझे कल करके दिखाओगे, जहां पे आपको नहीं आएगा तो हम करेंगे। और दूसरा सवाल भाग विधि से मसावी ज्ञात करके संक्षिप्त रूप दो, ये भी मैं आपको कल सिखा दूंगी, ठीक है? चलिए, और आप लोगों ने कल का होमवर्क कर लिया है कि नहीं किया है? हम लोग एक दिन आपकी डेट डिसाइड कर देंगे, उस दिन आपको सब विषय की कॉपी स्कूल में लाकर चेक करानी है, तो आप अपनी कॉपियां पूरी रखिएगा। गणित की मैंने एक ही कॉपी बनाई है, और हम अभी प्रश्न संग्रह 12 पर हैं, और मैंने सभी प्रश्न संग्रह आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजे हुए हैं, तो आप उसमें से कॉपी करोगे और लिख कर लेकर आओगे, ठीक है? चलिए, और कुछ आपको पूछना है तो पूछिए। ठीक है, तो बंद करें हम, हाँ क्योंकि आपकी, हाँ क्योंकि आपकी अगली क्लास है इसलिए बंद करते हैं, ठीक है, बाय।